आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। मधुबनी जिला अंतर्गत बिस्फी प्रखंड के बेलौजा गांव में जन्म लिए डॉक्टर किशन झा ने कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर देशवासियों को बचाने में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए एंटी कोरोना टास्क फोर्स नाम का संगठन खड़ा किया है। पूरे देश भर में एंटी कोरोना टास्क फोर्स का 2.5 लाख कार्यकर्ता सक्रिय रूप से कोरोना संक्रमण से देशवासियों को बचाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक आपदा के समय भी संगठन के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच जाकर ज़रूरतमंदों का सहयोग करने का काम किया है। एंटी कोरोना टास्क फोर्स के संस्थापक डॉक्टर किशन झा छठ पर्व के मौके पर अपने घर बेलौजा आए हुए हैं। इस मौके पर उनके घर पहुंचकर संगठन के बिहार संयोजक प्रफुल्ल चंद्र झा ने उनके आवास पर पहुंचकर फूलमाला, मिथिला पेंटिंग युक्त पाग एवं साल से सम्मानित किया है। इस मौके पर हमारे संवाददाता को डॉक्टर किशन ने बताया कि एंटी कोरोना वायरस फोर्स दुनिया का दूसरा WHO बनने के तरफ अग्रसर है। हमारे संगठन के द्वारा किए गए अच्छे कार्य में 2.5 लाख सहयोगियों का साथ रहा है। संगठन के कार्य से भारत सरकार ही नहीं, विश्व के बड़े बड़े देशों ने भी प्रभावित होकर हमारे संपर्क कर हम सबके प्रयासों का मुक्त कंठ से तारीफ कर रहा है। यह सम्मान हमारा नहीं, हमारे संगठन से जुड़े सभी साथियों का सम्मान है। आगे संस्थापक सदस्य ने बताया है कि बिहार संयोजक के रूप में जब से प्रफुल्ल चंद्र झा बाबा का सहयोग और सुझाव हमें प्राप्त हुआ, देखते ही देखते हमारे अंदर एक नई ताकत का संचार हुआ है और हम सब मिलकर देश के आम नागरिकों को विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण की भयंकर प्रकोप से बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम से लेकर पीड़ित परिवारों को सहयोग प्रदान करना, कोरोना प्रभावित लोगों की उचित इलाज यानी कि विभिन्न तरह से समाज को बचाने में अपना महत्वपूर्ण समय लगाया है, जिसके बल पर आज यह संगठन दुनिया का दूसरा WHO बनने के लिए तैयार है। वही संगठन के बिहार संयोजक प्रफुल्ल चंद्र झा ने संगठन के संस्थापक सदस्य की सोच की तारीफ करते हुए बताया कि देश में जब संकट का समय था, उस समय किशन जी जैसे गिने चुने लोग ही इस तरह का कल्पना के साथ एंटी कोरोना टास्क फोर्स नाम का संगठन खड़ा कर सकते हैं। इन्हीं के प्रेरणा से पूरे भारत भर में जन सेवा नारायण सेवा की भावना के साथ बेहतरीन कार्य करते हुए हजारों लोगों तक अपना सेवा पहुंचाने का कार्य किया है। इस मौके पर संगठन के जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार झा, धर्मेंद्र यादव, डॉक्टर कृष्ण कुमार झा एंटी कोरोना टास्क फोर्स के संस्थापक सदस्य एवं पॉलिसी मेकर भी मौजूद थे। देखिए राजीव झा की ये रिपोर्ट है कि माननीय प्रफुल्ल चंद्र झा जी हमारे पास आशीर्वाद देने आए हैं और राजीव भैया जी हमारी सौभाग्य है और आज मिथिलांचल का गौरव पाग है और सौर से हमें सम्मानित किया। ये हमारे हम बहुत छुत्र हैं, वो छोटे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का हमको सौभाग्य दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना टास्क फोर्स पूरे बिहार में इन्होंने चलाया है और अभी ये दूसरा DHO बनेगा, उसमें इनका बहुत तौग है। ये भारतीय जनता पार्टी के अग्रवृंद हैं और हमेशा हम लोग सेवा करने वाले आदमी हैं, हमें बोलने का जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर शिव किशन झा है और मैं थोड़ा सा कार्यकर्ता हूँ भाजपा का और BJP जो भारतीय जो एंटी कोरोना का फाउंडर हूँ। धन्यवाद। देखिए आज हम अति प्रसन्नता हृदय से व्यक्त कर रहे हैं जो हमारे माननीय किशन जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, ईश्वर ने सही किया और उस हालत में ये अभी मिथिला के धरती पर दिल्ली से चलकर आए हैं। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन इसलिए आज किशन जी के सम्मान से तसल्ली प्राप्त करके कर रहे हैं जो इन्होंने एंटी कोरोना टास्क फोर्स का गठन वैसे समय में किया
जब एंटी कोरोना टास्क फोर्स की आवश्यकता इस देशवासियों की थी और विशाल पूरे भारतवर्ष में एक युवाओं का फौज कराकर और कोरोना के विरुद्ध जंग में अग्रणी भूमिका अदा की, जिसको गवर्नमेंट ने भी सराहा, आज जो विश्व स्तर पर पांव पसार चुका है, हम हृदय से शुभकामना और आशीर्वाद देते हैं किशन जी को, जो आप आगे बढ़ते रहें। मिथिला का युवा, बिहार का युवा, देश का युवा आपके हर कदम में साथ। जय मिथिला, जय बिहार, जय। अपना अपना परिचय बता दें। प्रफुल्ल चंद झा समाज सेवी, एंटी कोरोना टास्क फोर्स फाउंडर नंदी। वीडियो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।